हेलो जी, कौन? आली, मैं बात कर रही हूँ सुंबल। अरे सुंबल, तुम? ये नंबर किसका है? ये भाभी का फोन है। मेरा फोन मामा के कहने पे अंबर ने मुझसे जबरदस्ती ले लिया। ओह अच्छा। आपने फोन किया था? हाँ मैं कॉल कर रहा था, उसके बाद कॉल रिसीव नहीं हुई तो मैसेज किया। खैर तुम छोड़ो, तुम बताओ सब ठीक है ना? मुझे बहुत परेशानी हो रही है। मामा नहीं चाहती कि मैं आपसे मिलूं। उनके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होगा। मैं अपनी जगह डटा हूँ और मैं पीछे नहीं हटूंगा। सुबह मेरी जिंदगी का हासिल तुम हो, और अगर तुम नहीं मुझे मिली ना तो कुछ भी नहीं है, मैं भी नहीं। ऐसी बातें मत करें आली, आपकी हिम्मत देने से तो मुझे हौसला मिलता है। बात याद रखना कि इस दुनिया में मोहब्बत इतने आराम से मिलती नहीं है, उसके लिए लड़ना पड़ता है। और हम लड़ेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे हमेशा। अगर मामा ने इनकार कर दिया तो क्या करेंगे? फिक्र ना करो, हम कल शाम को मिलते हैं और फिर इस पे बात करते हैं। और कल मैं अम्मी को लेके आऊंगा तुम्हारे घर। आली, अगर आंटी से मामा ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो मुझे बुरा लगेगा। मैं जानती हूँ मामा को, वो इनकार करेंगी। इनकार कर देंगे ना, 10 बार कर लें, लेकिन मैं तो बार बार आता रहूंगा। और हाँ, आंटी की मैं इज्जत वैसी करूंगा जैसे आज करता हूँ, क्योंकि मैं पीछे नहीं हटने वाला। मुझे इस बात का यकीन है कि आंटी का दिल नरम हो जाएगा, वो मान जाएंगी। तुम बस फिक्र ना करो, कल मिलते हैं। खुदा हाफिज़। अलमास बेगम, अब देखो तुम्हारी बेटी के साथ मैं क्या करता हूं। हो गई बात? जी हो गई। कल मैं उसे मिलूंगी और शाम को वो अपनी मामा को भेजेगा। अच्छा ठीक है, हम इस पे कल बात करेंगे। अभी तुम भी जल्दी से सो जाओ, ठीक है? अली समझ क्यों नहीं रहे मामा को? कहाँ जा रही हो? तुम अभी तक कॉलेज क्यों नहीं गई? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। तो मैं भी तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं देना चाहती। तो जाओ। सुंबर बेटा, कहाँ जा रही हो तुम? मामा, वो मेरी क्लास है। क्लास क्लास का कोई फायदा नहीं है, शादी के बाद तो काम नहीं आना। किसकी शादी? तुम्हारी शादी। मैंने फैसला किया है खुर्रम और उसकी फैमिली को बुला के ना रस्म पूरी करके तुम्हारी शादी की डेट सेट कर लो। लेकिन मामा, लेकिन लेकिन क्या, बहस मत करो, अब अंदर जाओ, क्लास की कोई जरूरत नहीं है, जाओ। नेहा, तो मेरी बात सुनो, इस घर में ना बहुत गड़बड़ हो रही है, घर का पूरा निजाम खराब हो रहा है, और ये जिम्मेदारी तुम पे भी आती है। मैं चाहती हूँ ना कि तुम जरा मिलजुल के ना इस घर का निजाम ठीक करो। क्या क्या मतलब अम्मी? मतलब ये, कुछ दिनों के लिए ना सुंबुल पे नजर रखो, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, अगर कोई हुई ना तो मैं तुमसे पूछूंगी। अपने कमरे में जाओ। तुम सही कहना, मैंने मोबाइल रख लिया इसका। शाबाश मेरी समझदार बच्ची हो तुम ना, अपनी बहन की तरह नहीं जो सर में दर्द ही देती रहती है मुझे। मैं तो समझदार हूँ मॉम, आपने कोई समझदारी का काम नहीं किया। क्या मतलब है तुम्हारा? दूध की रखवाली पे बिल्ली को छोड़ के जा रही हैं आप? बेटा मैं जब छोटी थी ना स्कूल में, तो तुम्हें पता है मेरी क्लास टीचर क्या करती थी? वो सबसे शरारती बच्ची को ना क्लास मॉनिटर बना देती थी। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि अगर शरारती बच्ची को क्लास मॉनिटर बना दो ना, तो फिर बाकी लोग शरारत नहीं करते, और अगर कोई करता भी है ना शरारत, तो सबकी क्लास ली जाती है। सीखो सीखो।
हेलो, मैं बात कर रही हूँ आलिया। मामा ने मुझे घर से ही नहीं आने दिया। कब तक रोकेंगी तुम्हें? कल रस्म के बाद मेरी शादी की डेट भी दे देंगी मामा। मैं बता रही हूँ, मैं शादी नहीं करूंगी, मर जाऊंगी। मरने के लिए नहीं, जीने के लिए तुमसे मोहब्बत करता हूँ। और तुम बेफिक्र हो, वो लोग कल तुम्हारे घर नहीं आएंगे। क्या करेंगे आप? आसपास भाभी हैं। हाँ, लेकिन आप क्या बात करेंगे भाभी से? मेरी बात करो। बात करना चाहते हैं। हेलो, जी मेरे पास कार्ड है, आप फोन बंद करें, मैं अभी आपको भेजती हूँ पिक्चर। ओके, खुदा हाफिज। ये पकड़ो, मैं कार्ड लेके आती हूँ। ले, मेरी बात। मुझे बताएं तो क्या कर रही हैं आप? लेकिन तो खुरम का कार्ड है, आपने खुरम के कार्ड की तस्वीर क्यों भेजी आलियान को? तुम्हें आलियान पे भरोसा है ना? है ना? मुझे नहीं पता, वो जो सोच रहा होगा कुछ बेहतर ही सोच रहा होगा। तुम तसल्ली रखो। की कॉल होगी, मैं सुनती हूँ। हेलो। हाँ नेहा, सुम्बुल से तुमने बात की? जी नहीं, वो बस करती हूँ। छोड़ो, मैं खुद ही बात कर लेती हूँ, उसे फोन दो। जी सुम्बुल, अम्मी बात करना चाह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी, बोलें क्या बात करनी है? अच्छा नहीं, कुछ नहीं, मैं घर ही आके बात करती हूँ तुमसे, ठीक है? जी